अच्छा, उर्दू में जवाब देने के लिए बोले हैं तो उर्दू में जवाब दूंगी मैं। यस, मुस्लिम्स आर रियली मोर बैकवर्ड। स्टार कमेटी तो यही कहती है कि मुस्लिम्स आर मोर बैकवर्ड देन एससी सेलेस्टिस। और फेस व्हाट यू आर पार्टी विल डू फॉर अबोर्ड मुस्लिम्स। अफर्मेटिव एक्शन की जो कॉन्सेप्ट है एंड ऑल्सो अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ आम आदमी पार्टी। एंड इफ यू आर आस्किंग दैट वॉट विल दे डू फॉर द अपग्रेडिंग ऑफ मुस्लिम्स, अपग्रेडिंग ऑफ इंडियंस वुड श्योरली वुड यू थिंक दैट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स स्टेटस? लेट अस रीथिंक अबाउट दिस। इट शुड इट रियली बी ऑन द बेसिस ऑफ अ कैस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन और अपॉन द रिक्वायरमेंट्स? Do you think that we should be defined in the that what could be offered by the government to a deprived person by the circumstantial deprivation? I think I'm answering in English. I'm sorry, I'm skipping over to Urdu. I'm sorry about this. आप ऐसा समझते हैं क्या कि किसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट अगर सियासत ने सरकार ने देनी चाहिए तो उसकी बेसिस क्या, उसकी बेसिस उसकी मज़हब होना चाहिए या उसकी जो जिन हालतों में वो पैदा हुआ है या जिन हालतों से वो गुज़र रहा है उन हालतें वो मुद्दा बनना चाहिए जिसके बेसिस पे सरकार ने उसको मदद देना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रा ज़रूर हमें बता दीजिए। अब्दुल अकबर खान असल